हम बात करते हैं एआई की हिस्ट्री पे। एआई की हिस्ट्री चालू होती है 1943 से, जिसे बोला जाता है अर्ली बिगिनिंग्स। इस समय 1943 में मैकलॉक और पिट्स ने ब्रेन का बूलियन सर्किट मॉडल बनाया, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे कि बूलियन लॉजिक में ट्रू और फॉल्स होता है, वैसे ही ब्रेन में और ट्रू और फॉल्स होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स और भी बहुत सारे, और उन सारे वैल्यूज़ को कंप्यूट करके बताया गया था। 1950 में ट्यूरिंग मॉडल आया, जिसमें कि बताया गया कि ट्यूरिंग्स कंप्यूटेशनल मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, यानी कि मशीनरी कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल थ्योरी दिया गया। 1956 में एआई का बर्थ हुआ, जिसमें कहा गया डर्ट मॉथ मीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम अडॉप्टेड, यानी कि ऑफिशियली जो नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया वो आया 1956 में। 1950s के दशक में इनिशियल प्रॉमिस किया गया, यानी कि इस समय अर्ली एआई प्रोग्राम्स बनाए गए, जिसमें कि सैमुअल्स चेकर प्रोग्राम भी था और साथ में न्यूएल्स एंड सीमंस लॉजिक थ्योरिस्ट भी था। 1955 से 1965 के बीच ग्रेट एंथुसियाज्म हुआ, जिसमें न्यूएल एंड सीमन ने जीपीएस यानी कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर को बताया, गैलनेटर ने जियोमेट्री थ्योरम प्रूवर बताया और मैकार्थी ने इन्वेंशन ऑफ लिस्प किया। इस लिस्प के थ्रू ही एआई के प्रोग्राम्स बनाए जाने लगे। हिस्ट्री ऑफ एआई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1966 से 1973 के बीच रियलिटी डॉन्स हुई। इसमें रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारे एआई प्रॉब्लम्स इंटरेक्टिबल हैं, और साथ में हमें ये पता चला कि जो एग्जिस्टिंग न्यूरल मेथड है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस समय 1966 से 1973 के बीच न्यूरल नेटवर्क रिसर्च लगभग डिसअपियर्स हो गए थे। न्यूरल नेटवर्क रिसर्च उन सारे रिसर्च से रिलेटेड है जिसमें इस बात पर रिसर्च किया जाता है कि एक ह्यूमंस के ब्रेन में या एक ह्यूमंस बॉडी में जो भी न्यूरल्स रहते हैं या जो भी न्यूरॉन्स रहते हैं, यानी कि जो भी कोशिकाएँ रहती हैं, वो क्या क्या एक्शंस कर सकती हैं और किस तरह के एक्शंस पे किस तरह से रिएक्ट करती हैं। 1969 से 1985 के बीच डोमेन नॉलेज ऐड हुई, जिसमें कि नॉलेज बेस्ड सिस्टम डेवलप किए गए और रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कि डेंड्रिल और माइसिन का सक्सेस हुआ, लेकिन अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा था। 1986 में मशीन लर्निंग का राइज हुआ या मशीन लर्निंग का उदय हुआ। इस समय न्यूरल नेटवर्क दोबारा पॉपुलैरिटी में आ गए थे। इसके अलावा जो मेजर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और एप्लीकेशंस में मेजर एडवांसेस हुआ। 1990s में रोल ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि बायसन नेटवर्क, जो कि बेस्ड था बायसन थ्योरम पे, वो एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बनकर सामने आया। 1995 में एआई एज अ साइंस आया, जिसमें कहा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग रीजनिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। एआई मेथड्स यूज होने लगा विजन लैंग्वेज और डेटा माइनिंग में। हिस्ट्री ऑफ एआई में को हम एक बार समराइज करते हैं। 1943 मैकलॉक एंड पिट्स बुलियन सर्किट मॉडल्स ऑफ ब्रेन। 1950 ट्यूरिंग्स कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। 1956 डॉटमॉथ मीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्टेड। 1950s अर्ली एआई प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सैमुअल्स चेकर प्रोग्राम, न्यूएल्स एंड सीमंस लॉजिक थ्योरिस्ट, गैलनमीटर्स ज्योमेट्री इंजन, 1965 रीजनिंग, रॉबिन्सन्स कंप्लीट एल्गोरिथम फॉर लॉजिकल रीजनिंग। 1966 टू 1973 एआई डिस्कवर्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूरल नेटवर्क रिसर्च एलमोस्ट डिसअपियर्स। 1969 टू 1979 अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। 1980s एआई बिकम्स एन इंडस्ट्री। 1986 टू ऑनवर्ड्स न्यूरल नेटवर्क रिटर्न्स टू पॉपुलैरिटी। 1987 टू ऑनवर्ड्स एआई बिकम्स ए साइंस। 1995 टू ऑनवर्ड्स द एमर्जेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, मॉडलिंग एग्जैक्टली हाउ ह्यूमन एक्चुअली थिंक, यानी कि फर्स्ट जो डिफरेंट टाइप्स रहता है उसमें हम ये करते हैं कि इस बात का एग्जैक्टली मॉडलिंग करते हैं कि ह्यूमंस एक्चुअली कैसा सोचते हैं। सेकेंड मॉडल में हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस एक्चुअली कैसा एक्ट करते हैं। थर्ड मॉडल में हम ये देखते हैं कि कैसे आइडियल एजेंट्स
कैसे थिंक करने चाहिए, फोर्थ में हम ये देखते हैं कि आइडियल एजेंट्स कैसे एक्ट करने चाहिए। जो मॉडर्न एआई है या मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फोकस करता है लास्ट डेफिनेशन पे। तो हम यहाँ पर इंजीनियरिंग अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। जो भी इसका सक्सेस रहता है वो इस बात से जज किया जाता है कि एजेंट कैसा परफॉर्म करता है, क्या इन्वॉल्व होता है इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, इसके साथ साथ रीजनिंग एंड प्लानिंग, लर्निंग एंड एडेप्टेशन। एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड में ये देखा जाता है कि कैसे परसीव किया जाएगा, कैसे ग्रहण किया जाएगा, कैसे अंडरस्टैंड, कैसे समझा जाएगा, कैसे एक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए स्पीच रिकग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस, यानी कि सबसे पहले हम किसी आवाज़ को रिकगनाइज करेंगे, रिकगनाइज करने के बाद उसको समझेंगे कि कौन से लैंग्वेज में, उसका सिंथेसिस करेंगे, यानी कि उसमें यदि कोई नॉइज़ है तो उस नॉइज़ को हटाने का काम करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल इमेज अंडरस्टैंडिंग, हम किसी इमेज को देखेंगे तो हम इस ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो इमेज क्या कोई लिविंग थिंग्स की है या नॉन लिविंग थिंग्स की है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक्शंस लें, कैसे इफेक्ट करें। रीजनिंग एंड प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कैसे इनपुट देना है, कैसे नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे डिसीजंस लेना है। साथ में हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है, अनसर्टेनिटीज आती है, तो उसको कैसे डील करेंगे। इसके बाद लर्निंग एंड एडेप्टेशन में हम ये देखेंगे कि हमको लगातार हमारे जो सिस्टम्स हैं या जो हमारे प्रपोज सिस्टम्स हैं उनमें कंटिन्यूसली लर्निंग का इनपुट देना है, अडेप्टिंग करना है। साथ में हमको ये देखना है कि हमारे जो इंटरनल मॉडल्स हैं वो लगातार अपडेटेड होते रहें। एग्जाम्पल के लिए जब एक बच्चा सीखना शुरू करता है तो वो पहचानने के साथ साथ कैटेगराइज भी करता है। एक बार हम फिर से समराइज करते हैं कि व्हाट्स इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है परसीविंग, रिकग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड, रीजनिंग एंड प्लानिंग अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, लर्निंग एंड एडेप्टेशन। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम ये देखेंगे सो व्हाट जनरल प्रिंसिपल शुड वी यूज टू अचीव दीज गोल्स।